मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा अब नहीं झूलेगा और जल्द ही धरातल पर इसका परिणाम देखने को मिलेगा। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जीउल पुल के उद्घाटन के बाद कही। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार का एक महीने का कार्यकाल शानदार रहा और सरकार ने 100 दिन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे भी पूरा किया जाएगा। सीएम ने कहा कि एनजीटी का फैसला है, उनके बारे में कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जा रही है, सरकार के सामने विकल्प खुले हैं और जनता के हक में जो होगा सरकार वही फैसला लेगी। जी, बहुत जल्दी हम इसमें एक निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं और ये झूला झूली का काम खत्म हो जाएगा। सर, ये सरकार बनने के बाद यूनिवर्सिटी जो है हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी जमीन पर इसको खड़ा करें। सर, ये सरकार बनने के बाद कुछ एक वन कटान के मसले सामने आए और यहाँ तक कि फॉरेस्ट गार्डों के साथ इंदौर क्षेत्र में हाथापाई भी, जिसे आप कह सकते। देखिए, कुछ जगह कुछ लोगों को पुरानी आदतें अभी तक थोड़ा उसमें सुधार करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वन काटू कोई नहीं बचेंगे। माफिया के नाम से, चाहे वो वन माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो ड्रग माफिया है, चाहे भू माफिया है, किसी को यहाँ पर जो है कोई गुंजाइश बचने की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वन कटान के मामले सामने आने के विषय पर कहा कि कुछ लोगों की पुरानी आदत अभी छूट नहीं रही है, ये आदतें धीरे धीरे ही छूटेंगी और सरकार ऐसे लोगों पर नजर रखे हुए है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हम कानूनी सलाह इस मामले में ले रहे हैं और दोनों ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध हैं और उनमें से जो कानूनी तौर पर हमको उचित लगेगा वो करेंगे। प्रदेश की जनता को राहत मिलनी चाहिए, उस दृष्टि से जो भी उचित होगा वो करेंगे। सर, आज